नहीं राज यार, ये मैं नहीं कर सकता। वैसे तुमने मुझे क्या सोच के यहाँ पे बुलाया? तोशी मैं इतना गलत भी नहीं सोच सकता हूँ। लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया है। बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ तू ये कर सकता है। देख तू समझ नहीं रहा है, ये बहुत रिस्की है। अगर पकड़े गए ना तो दोनों जेल पे सड़ेंगे। तभी तो मैंने तुझे बुलाया है। तोशी आई नीड योर हेल्प। तेरी प्रॉब्लम का वैसे एक सलूशन तो है, अगर तू रानी जैसे हूबहू साइन इन पेपर्स में कर देता है तो हम कुछ कर सकते हैं। और अगर रानी की डेथ हो जाती है तो हाँ, हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि उनकी याददाश्त जाने से पहले उन्होंने इन पेपर्स में साइन किए थे। अब और कोई तरीका नहीं है, मुझे रानी के साइन कॉपी करने ही पड़ेंगे। वन सेकेंड। इतना आसान नहीं है। काम लो दोषी, तू जा यहां से, मैं बाद में आकर तुझसे मिलता हूं। लेकिन सुन, ये काम हमें किसी भी कीमत पर करना है। ठीक है। ओके, अपना ध्यान रख। इतनी जगह जाना था इनको, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे जल्दी आओ, सबके सब काम मर गए सारे नौकर। रानी अपने साथ ना जाने किन पागल बीमारों को उठा के ले आई। थैंक यू। रानी की याददाश्त चली गई, ये बात समझ में आती है, पर इस बीमार औरत और इस पागल लड़की को यहाँ लाने का मतलब, ये बात समझ में नहीं आई। घर में वैसे ही सब लोग बहुत परेशान हैं, आप ऐसी बातें करके सबको और परेशान मत करो ना। कोई पानी लाएगा? प्लीज पानी ले आइए। प्रीति क्या हुआ? घर में इतनी हलचल क्यों है? वो रानी उस भूत बंगले के लोगों को घर में उठा के ले आई है। भूत बंगला? किसको ले आई रानी? पता नहीं वो लोग कौन है, लेकिन रानी कह रही है वो शायद उन लोगों को जानती है। जानती है? भूत बंगला रानी किसे ले आई है? ठंडा ठंडा, मजा आया? ठंडे पानी की पट्टी माँ के सिर पर रखेंगे तो सारा बुखार उतर जाएगा। हाँ। रानी प्लीज सच बोल दो, क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? बहुत मन था ना तुम्हारा बदला लेने का, अब देखती हूँ ये बदला किस पर ज्यादा भारी पड़ता है। रानी कुछ याद आया? कुछ याद नहीं आया। डॉक्टर, रानी को कुछ याद नहीं आया, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। यू स्टूपिड टिंगर, देख लिया ना तकलीफ तुम्हें भी हो रही है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं सच जाने बिना हार मानूं, पर मैं इतनी बड़ी लूजर नहीं हूं राज। रानी आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ, कुछ तो याद आया होगा। रानी अपने दिमाग पर जोर डालो, कोशिश करो। रानी रानी कुछ याद आया? आज मुझे कुछ कुछ याद नहीं आया। कैसे याद नहीं आया? ये लोग तुम्हें दो बार शॉक दे चुके हैं। रानी रेडी
सुबह सुबह रानी कहाँ चली गई? ये तो वापस आ गई, अब ये मार दीदी को देखेगी और सब खत्म। आपको तो ध्यान रखना चाहिए था ना दीदी, रानी ने जिद की और आप मान गई। क्या आप जानती हैं कि वो लोग कौन है, कैसे हैं, कहां से आए हैं? मैं क्या कर सकती थी सुनंदा, रानी क्या है ये सब? और तुम किन लोगों को? चलो मेरे साथ, देखो तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है और ये लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, चलो यहाँ से। क्यों? मेरा मतलब है इन्हें मदद की जरूरत थी और किसी की मदद करना तो अच्छा काम है ना माँ। इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इनके लिए सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें खुद का भी तो ध्यान रखना है ना। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है और फिर इनका ख्याल रखने के लिए नौकर चाकर है, उनसे कह देते। सुनो, इन्हें जिस चीज की जरूरत हो पूरी कर देना, ओके? लगता है सुनंदा चौहान की बर्बादी मेरे हाथों से ही लिखी है, तभी तो उसने मेरी माँ को देखकर भी नहीं पहचाना। मॉम ने राज की माँ को पहचानने से भी इनकार कर दिया। हो सकता है मॉम ने ऐसा कुछ किया ही ना हो, जो कुछ भी राज ने मुझसे कहा, हो सकता है कुछ गलतफहमी हो और उसकी वजह से राज मेरी माँ को अपना दुश्मन समझता है। तुम चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ। रुको 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 रुको, हो सकता है मॉम साक्षी दी को पहचान जाए। ये दीदी को रोक क्यों नहीं रही है? खड़े होकर तमाशा क्यों देख रही है? मैं भी मांगती हूँ तुमसे, मेरी मदद कर दो प्लीज, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। डिनर के लिए थैंक यू राज, पर अब मैं और नहीं रुक सकती।